अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें। पुलवामा में पाकिस्तान की जो कायराना हरकत थी उससे पूरे देश में शोक की लहर दौड़ गई है, क्योंकि भारत के 40 सैनिकों ने शहादत दी। उसके पीछे पाकिस्तान का हाथ है, यह सब जानते हैं। पाकिस्तान में बैठे आतंकवादियों ने इस साजिश को अंजाम दिया है, जिससे पूरा देश गुस्से में है। नेताओं से गुजारिश करता है कि पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दे। पूरा देश एकजुट खड़ा होना चाहिए, विपक्ष हो या पक्ष, इस दुख की घड़ी में एकजुट होकर एक ही आवाज है कि शहादत का बदला ले। मोदी सरकार ने भी तुरंत फैसला लिया और बोल दिया कि सरकार ने सेना को खुली छूट दे दी है, जगह और समय वह डिसाइड करे और इसका करारा जवाब पाकिस्तान को दे। इसी तरह के बयान का पूरा देश इंतजार कर रहा था। प्रधानमंत्री ने किसी को भी मायूस नहीं किया। झज्जर में भी आज सभी व्यापारियों ने अपनी अपनी दुकानें बंद रखी और शहीद हुए नौजवानों को श्रद्धांजलि दी। आज जो देश में सारा बाजार बंद है, हरियाणा में इसके बारे में पाकिस्तान की कायराना हरकत के लिए आज हमारा पूरा देश भारत एकजुट है और एकजुट होकर हम उनको दिखाएंगे कि किसी के साथ छुप के वार करना, पीछे से वार करना हमारे सैनिकों को उनको बहुत महंगे पड़ेगा। जैसा मोदी जी भी कह चुके हैं, उनको बहुत बड़ा इसका नुकसान उठाना पड़ेगा और हम आज उसी के लिए इकट्ठा हुए हैं, बताना चाह रहे हैं पाकिस्तान को हमारा देश एक है, उसमें चाहे हिंदू है, चाहे मुस्लिम है, चाहे सिख है, चाहे ईसाई, पूरा भारत एक है। इस अखंड एकता को हम बनाए रखेंगे और पाकिस्तान का मुंह तोड़ जवाब देंगे, हमारी सेनाएं देंगी और हम यहाँ सहयोग करेंगे। सो खून की जरूरत पड़ी तो खून देंगे भाइयों के लिए, धन की जरूरत पड़ी धन देंगे और उससे आगे जो भी बलिदान की जरूरत पड़ी तो हम बलिदान देंगे। बट भाई जैसे प्रशासन के खिलाफ आप और क्या कहना चाहेंगे, प्रशासन को क्या कहना है? प्रशासन के लिए हमारा यही है, जो भी इसके लिए भाई प्रशासन सहयोग कर सकता है अपने स्तर पर देश के लिए एकजुटता के लिए वो करे, उसके आगे भाई आर्मी को काम करना है। प्रशासन से हमें कोई ज्यादा उम्मीद भी नहीं है, प्रशासन से क्या उम्मीद है, प्रशासन क्या करता है प्रशासन। क्या नाम आपका? वीरेश। वहीं कॉलेज के विद्यार्थियों ने भी वीर सपूतों के लिए रैली निकाली। जो दुकानें खुली थी उन्हें बंद करवाया गया। पाकिस्तान मुर्दाबाद और भारतीय आर्मी जिंदाबाद के नारों से पूरा झज्जर गूंज उठा। हर किसी की आंखें नम थी कि 40 वीर सपूतों ने अपने देश के लिए शहादत दी। हम भारत सरकार से आग्रह करते हैं कि 40 के बदले 400 लोगों का सर काट के पाकिस्तान से बदला लिया जाए। हर न्यूज की पूरी टीम इस दुख की घड़ी में शहीद परिवारों के साथ खड़ी है और शहीदों को नमन करती है। मांगे है कि हमें अपने सैनिक जवान जो शहीद हुए हैं उनके घर वालों को भी कुछ चाहिए, उनके ना छोटे छोटे बच्चे हैं, उनके घर में सरकारी नौकरी हो और उनका पूरा सपोर्ट करें, हमें ये सरकार से मांग चाहिए। क्या नाम आपका? मेरा नाम योगना है। जज्जर से गौरव के साथ गोविंद की रिपोर्ट, हर न्यूज हरियाणा।